तो भाई लोग, क्या हाल है? माय नेम इज़ शुभम और मैं आप लोगों को आज एक रिंग लाइट बनाना सिखाऊंगा। एक्चुअली इट्स वेरी इजी। आप अपने घर के स्क्रैप मटेरियल से ही बना सकते हैं इसको। बस आपको एलईडी खरीदना पड़ेगा। एक्चुअली आप एलईडी स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एज ब्राइट एज एलईडीज। आई मीन सिंगल क्वान्टिटी में जो एलईडीज मिलते हैं वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं और अच्छा लाइट प्रोवाइड करते हैं। मेरे ख्याल से एलईडी यूज़ करना सबसे आसान है और इजी भी है, क्योंकि आप इसको मनचाहे मतलब आकार में इसको लगा सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप इससे, ताकि आप रिंग लाइट बनाएं या फिर स्क्वायर लाइट बनाएं, रेक्टेंगल लाइट या फिर कोई भी आप शेप बना सकते हैं इससे। और मेरे ख्याल से रिंग लाइट के लिए एलईडी सिंगल एलईडीज यूज़ करना ही सबसे बेहतर है। सो इट्स माई ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। ये रिंग लाइट बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड से बस दो पीसेस निकाल लिए, मतलब बीच वाला पीस मैंने काट के निकाल लिया, साइड वाला मैं निकाल रहा हूँ। फ्रेम मैं बनाया हूँ कार्डबोर्ड से, आपको पता है। ये सब मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ईजी, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए, वॉल बनाना है। अब वॉल बनाने का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हम लोग किससे बनाए वॉल? तो मैं उसी सेम कार्डबोर्ड से इसको बनाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, बट आप वीडियो देखते रहिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे इसको स्ट्रॉन्ग भी बनाया जाए और देखने में एकदम प्रोफेशनल जैसा भी लगे और बहुत अच्छा लाइट ये प्रोवाइड करेगा। आप बस वीडियो देखते रहे। और मैंने जितना भी हो सके इसको आसानी से बनाने का कोशिश किया है। ज़्यादा महंगा मैं नहीं बना रहा हूँ इसको, लेकिन मैं इसको बहुत एडवांस बनाऊंगा, जिससे इससे बहुत अच्छा लाइट आएगा। और आप चाहे तो डिमर सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं। डिमर सर्किट बनाने के वीडियो में दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं डिमर नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक्चुअली मैं इसको यूट्यूब पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं तो टिकटॉक वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो इसलिए डिमर सर्किट का मुझे ज़रूरत नहीं है। खैर, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इससे वॉल बना लिया है। टेप से मैंने उसको ज्वाइन करके फिर फेविकॉल लगा दिया। और फेविकॉल का यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि फेविकॉल आपका गैप जो है फील अच्छे से कर देगा। और मुझे तो ग्लू गन से ज़्यादा अच्छा फेविकॉल लगता है, क्योंकि फेविकॉल पता है मुझे सूखने में देर लगाता है, लेकिन उसका जो जोड़ होता है बहुत मजबूत होता है। हाँ, आप लोग सुपर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट सुपर ग्लू हर जगह मिलता नहीं है। आई मीन फेविक्विक मिलता है, लेकिन 5 रुपया में तो उतना उतना सा मिलता है। और उतना से आप कितना मतलब कितना खरीदेंगे? दैट्स वाई मैंने फेविकॉल यूज़ किया है। आप देख सकते हैं, अब मैं वायर लगा रहा हूँ। वायर लगाने का फ़ायदा यही है कि वायर लगाने से इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हार्डनेस मिलेगा। और जो ट्रायंगल होता है वो शेप्स में सबसे ज़्यादा मजबूत शेप होता है, हम लोग को पता है, तो इसलिए मैं ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने शायद 6 ट्रायंगल यूज़ किए हैं, तो उस हिसाब से मैं। और जो एलईडीज़ हैं उसका बड़ा टर्मिनल है पॉजिटिव और छोटा है नेगेटिव। हम लोग क्या करेंगे, जो एलईडीज़ हैं हर एक एलईडी का पॉजिटिव दूसरे एलईडी का पॉजिटिव से जोड़ देंगे, हर एक एलईडी का नेगेटिव दूसरे एलईडी का नेगेटिव से जोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हर एक एलईडी को मतलब एक एक ग्रुप बना रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको कर रहा हूँ कि मैं एक एक ग्रुप बना रहा हूँ। और इन ग्रुपों में जितने हैं एलईडी, उनका हर एक का जो पॉजिटिव है उसको दूसरे के पॉजिटिव के साथ, और हर एक का नेगेटिव जो है वो दूसरे के नेगेटिव के साथ जोड़ दे रहा हूँ। और फिर मैं हर एक ग्रुप में ऐसा ही करूँगा और ग्रुप्स को मैं जोड़ दूंगा ज्वाइन आपस में। तो इससे क्या होगा, वो सेम पावर में जलेगा। आप इसको 3 वोल्ट के अडेप्टर से अच्छे से चला सकते हैं। आजकल जो फास्ट चार्जर मिलता है वो अच्छा एम्पियर प्रोवाइड करता है, तो इससे बहुत अच्छा ब्राइटनेस आएगा। आप इसको चाहे तो 12 वोल्ट का बैटरी से भी चला सकते हैं, और आप चाहे तो, लेकिन 12 वोल्ट का बैटरी से चलाने से पहले आप एक रेजिस्टेंस यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये शायद फ्यूज़ हो जाए लॉन्ग टाइम रन में। तो मैं इसको वॉल एडाप्टर से यूज़ करूँगा। आप इसको फ़ोन के ओटीजी से भी चला सकते हैं। हाँ, आप लोग इसको फ़ोन के ओटीजी से भी चला सकते हैं, क्योंकि ये जो एलईडीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं और बहुत अच्छा ब्राइटनेस देते हैं। क्योंकि अभी जो मॉडर्न एलईडीज़ आ रहे हैं वो इतने ही मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है पहले के ज़माने से। जो पहले जो एलईडीज़ मिलते थे बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। उससे क्या होता था कि एलईडीज़ का जो एफिशिएंसी है बहुत कम हो जाता था। तो अब एफिशिएंसी का मामला मैं छोड़ता हूँ, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। अब देखिए, कनेक्शन जो है बहुत इजी, आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैंने इसको कैसे ज्वाइन किया है, इसलिए मैं उन सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया हूँ। और जो आप बोलेंगे कि सबके पास तो सोल्डरिंग आयरन नहीं होता है,
हाँ, सबके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं होता है। आप ये जो कनेक्शन वाला काम है, ये आप किसी सामने वाले इलेक्ट्रॉनिक शॉप से करवा सकते हैं। अगर जान पहचान हुआ तो फ्री में कर देगा, या फिर अगर जान पहचान का नहीं हुआ तो शायद 10 रुपया या 12 रुपया ले सकता है। आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मेरे मेरे पास तो सोल्डरिंग आयरन है, क्योंकि मैं इन सब का काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है करने में। बस अब मैं देखिए, अब इसको 3.7 वोल्ट का बैटरी से चला के दिखाऊंगा आपको कि इससे मतलब कैसा ब्राइटनेस आ रहा है। लेकिन कैमरा जो है अपना ऑटो कॉन्ट्रास्ट सेट कर लेता है, इसलिए आप लोग लग रहा होगा कि इतना ब्राइटनेस कम है, लेकिन इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। आप वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं बहुत अच्छा ब्राइटनेस दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेन वायर है, आपने शायद कनेक्शन देख लिया मैंने कैसे किया है। बस पॉजिटिव से एक वायर निकाल दिया, नेगेटिव से एक वायर निकाल दिया। अब देखिए ये एलईडी स्ट्रिप है। अब मैं एलईडी स्ट्रिप भी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब फुल मेरा जो मेन मेन लाइटिंग, मुझे जो मेन लाइट देगा वो एलईडीज ही देगा। आई मीन सिंगल एलईडीज भी देगा, लेकिन एलईडी स्टैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये पड़ा हुआ था और एक्चुअली ये मेरे कोई काम का नहीं था, तो मैंने इस पर इसको लगा दिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लाइट मतलब लाइट चाहिए। आप सिर्फ इसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ एलईडी स्टैंड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन एलईडी स्ट्रिप मत यूज़ कीजिए, वो बेकार होता है। 200 रुपये में मुझे तो लगता है पैसा बर्बाद है। उससे अच्छा दिवाली में आप लोग लाइट लगा लीजिएगा, उससे अच्छा है। खैर, तो अब वो 6 वोल्ट भी कंज्यूम करता है, वो भी एक बात है, वो 6 वोल्ट से चलता है, लेकिन ये 6 वोल्ट से भी चल जाएगा, 3 वोल्ट से भी चल जाएगा, 12 वोल्ट से भी चल जाएगा। और मेन मेन जो प्रॉब्लम, मतलब मेन जो बात है, ये बहुत कम एम्पेयर कंज्यूम करता है, करीब ये मैंने जो मेजर किया था 0.4 या 0.48 एम्पेयर तक ये कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, मतलब फुल स्टैंड, मतलब पूरा जो मेरा रिंग है पूरा। खैर, तो अब देख सकते हैं कि मैं जो बैक वाला पैनल बना रहा हूँ, वो उसी मैंने कार्डबोर्ड से बना रहा हूँ जिससे मैंने वो रिंग बनाया था। अब देखिए, कार्डबोर्ड मैंने एक घड़ी का बॉक्स से बनाया है। मुझे लगा कि घड़ी का बॉक्स यूज़ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो बड़ा होता है। अब आप इसको और बड़ा बना सकते हैं, आप इसको और छोटा बना सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि ये मॉडरेट साइज़ है जो मैंने बनाया, क्योंकि ये मेरे फ़ोन में फ़िट आ जाएगा और मेरे ट्राईपॉड में ही फिट आता है, तो मुझे प्रॉब्लम है नहीं। तो खैर, आप हाँ, अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं है तो आप नीचे का एक स्टैंड बना सकते हैं। बस ये तो आपको पता होगा स्टैंड कैसे बनाते हैं, एक डंडा में इसको लगा दीजिए, बस और कुछ सही नहीं। अगर स्टैंड बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्टैंड बनाना दिखा दूंगा कैसे स्टैंड बनाते हैं। लेकिन मेरे पास ट्राईपॉड है, इसलिए मैं स्टैंड बनाने का मुझे ज़रूरत है नहीं। खैर, तो आप फिर देखिए, मैं पीछे का जो है पैनल है उसको बना रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे का पैनल को उतना मतलब वैसे ही कर रहा हूँ कि साइड से मैंने चिपका दिया। मैं इसको मोड़ के साइड में लगाऊंगा ताकि इसको ज़्यादा पावर मिले, आई मीन ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले। और आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। और अभी प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, हम सबको पता है कि हम लोग अभी किस ट्रेजिडी से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग घर में रहिए प्लीज़। और जो भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ज़्यादा घबराइए मत, ठीक है। और आप लोग जितना हो सके, आप लोग जितना हो सके 10 रुपये, 1 रुपया, कितना भी हो सके वो डोनेट कीजिए। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, तो स्ट्रगल सबको करना पता है, लेकिन वो लोग जो हैं जिसके पास घर भी नहीं है रहने का, तो उन लोग को पता है, आप लोगों को पता है कि उन लोगों को कितना सफ़र करना होगा इस टाइम। तो खैर, आप देख सकते हैं कि मैं अब बीच वाला बना रहा हूँ, अब बीच को मैं ऐसे ही ज्वाइन कर दूंगा फेविकॉल से, लेकिन फिर आपको इसके ऊपर एक वेट दे के कम से कम 1 घंटा के लिए छोड़ देना है, ठीक है। आप भी रेस्ट ले लीजिएगा, ये भी सूख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर, मैं इसको लगा दूंगा और फिर देख सकते हैं मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। मैं इसको बहुत इजीली बनाया हूँ। हाँ, मेरा वीडियो क्वालिटी शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन कर रहे थे मेरे एक वीडियो में कि मैं कैसे इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग वाले वीडियो में। तो देखिए, एक बात मैं अच्छा मतलब साफ साफ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग, तो और अगर आप लोग ब्लूटूथ हेडसेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऐप काम नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं उस टाइम, कि आपका जो हेडफोन है उसका स्विच दबाने वाला जो मेथड है, आप लोग को सबको पता होगा, स्विच दबाने वाला जो मेथड है, स्विच को दबा के किससे मतलब एक स्ट्रिंग से बांध दे सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो अच्छे से फिर साउंड इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन आपका वॉइस वो नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा। तो आप वो मेथड यूज़ कीजिए, मतलब करिए तब, अगर आपका इंटरनल सपोर्ट रिकॉर्ड इंटरनल साउंड रिकॉर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो।
तो खैर अब आ जाए हम लोग का वीडियो पे। तो अब बीज वाला जो है उसको हम लोग काट के निकाल देंगे, लेकिन आप पूरा मत काटिए, बीच से काटिए, मतलब थोड़ा काटिए, फिर क्या करें इसको साइड में मोड़ दीजिए, तब वो देखने मतलब बीच से काटिए, फिर आपको इसको अच्छे से काट लीजिए। तो खैर आप देख सकते हैं कि अच्छे से मैंने इसको काट लिया, थोड़ा थोड़ा रह गया, उसको मैं सैंड पेपर से घिस दूंगा क्योंकि फेविकॉल बहुत हार्ड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है नहीं। तो अब जो है मैं फ्रंट वाला जो पीस है उसको शायद बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं। ये जो फ्रंट वाला पेपर है मैंने इसको ट्रेसिंग पेपर से बनाया है, एक्चुअली ये ट्रेसिंग पेपर नहीं है, इंटीरियर डेकोरेशन में जो पेपर यूज़ होता है वो है, क्योंकि मेरे दीदी जो है वो इंटीरियर डेकोरेशन होम डिज़ाइनिंग मतलब होम डिज़ाइनर है, तो एक्चुअली मैंने उसी पेपर की यूज़ किया है वो, मतलब ये ट्रेसिंग पेपर से थोड़ा स्ट्रांग है लेकिन काम सेम ही है इसका, मतलब ट्रेसिंग पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेसिंग पेपर आप यूज़ कीजिए करिएगा तो दो कीजिएगा, और आप फाइल कवर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, हल्का ट्रांसपेरेंट हो, लाइट को स्प्रेड कर पाए अच्छे से, क्योंकि एलईडीज़ का जो ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा है, आप अगर इसको जला के रखेंगे तो आपका आँख ख़राब हो जाएगा, मतलब आँख में अगर डायरेक्ट पेपर है तो। और ये बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, आप मेरा बात मानिए, बिल्कुल भी हीट नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसको 3 वोल्ट से चलाएंगे और बहुत कम एम्पेयर में ये चलेगा, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा लाइट प्रोवाइड करेगा। बस आपका जो एडेप्टर है वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, वो मतलब पुराने फ़ोन वाले एडेप्टर से ये अच्छे से नहीं जलेगा, जलेगा लेकिन अच्छे से नहीं जलेगा। अभी जो नया नया फ़ोन आ रहा है उनमें जो एडेप्टर है फास्ट चार्ज वाला, जैसे मेरे पेरा पोको F1 में जो है फास्ट चार्ज 3.0 समथिंग कुछ है, उसका एडेप्टर बहुत अच्छा, आप देखिएगा, मैं उसी से चलाऊँगा इसको और बहुत अच्छे ये ब्राइटनेस देगा। तो देखिए ये मैंने इसको कर दिया, बीच वाला मैं काट के निकाल दूंगा, आप देखिए मैं इसको काट के निकाल दूंगा, वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि बहुत ईजी। आप देखिए मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ आपको, उसी एडेप्टर से मैंने चलाया, आप देखिए इसका ब्राइटनेस देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा मॉडर्न लुक दूंगा, आई मीन थोड़ा प्रोफेशनल लुक दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो फाइबर स्लिप्स होता है वो मैं इस वायर के ऊपर लगा दूंगा, आई मीन दोनों वायर को एक साथ करके मैं उसके ऊपर लगा दूंगा, तब ये मतलब अच्छा दिखेगा एक्चुअली, क्योंकि ये सफ़ेद है तो वो भी सफ़ेद है, आई मीन थोड़ा तो अच्छा दिखना चाहिए, है ना। खैर तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने दोस्त को बोला कि मेरा हेल्प कर देने, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तू कर, क्योंकि ट्राइपॉड में ये करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को, तो देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, आई मीन मैं नहीं वो कर रहा है। तो खैर हाँ देखिए, जैसे फाइबर स्लिप से ये अच्छा दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, जो फीमेल जैक हो, फीमेल जो ये होता है एडेप्टर होता है इसका, एडेप्टर बोल रहा हूँ सॉरी, फीमेल जो जैक होता है उसको मैं लगा दूंगा इसमें, फीमेल ये जो पुराने फोन्स के जो अभी जो अभी तो सी टाइप आ गए हैं, ये सी टाइप नहीं है एक्चुअली, तो आप इसको यूज़ कीजिए या सी टाइप एडेप्टर यूज़ कीजिए, सी टाइप एडेप्टर अगर यूज़ कर रहे हो तो सी टाइप का जो मिलता है फीमेल वो लगा लीजिए। अब देखिए इसका जो फाइनल लुक है ऐसा दिखेगा, मैंने ब्लैक आर्ट पेपर लगा दिया पीछे इसको अच्छा दिखाने के लिए, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका ब्राइटनेस कितना ज़्यादा है, आप लोग देखिएगा जो पूरा घर है वो पूरा ब्राइट हो जाएगा इससे, आप देखिए। देखिए मैं इसको पुराने वाले चार्जर्स के अडेप्टर, पुराने वाले चार्जर का जो केबल है उसी से चलाऊंगा, देख सकते हैं कि कैसा ब्राइटनेस आ रहा है इसमें, बूम, देखिए बहुत अच्छा ब्राइटनेस आ रहा है। अब कैमरा ने ऑटो कॉन्ट्रास्ट अपना सेट कर लिया है, ऑटो ब्राइटनेस सेट कर लिया, आई एम सॉरी, इसलिए वो दिख रहा था कि लाइट अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वो कभी नहीं दिखेगा आपको, ये फुल एक राउंड दिखेगा और वो इतना ज़्यादा ब्राइट दिखेगा कि मतलब आप बनाइएगा आपको तब समझ में आ जाएगा। मैं हर एक चीज़ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो जो मैंने यूज़ किया है, आई मीन मेनली एलईडीज़ का, और बहुत कम पैसा में आपका बन जाएगा, ये बहुत महंगा है, आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन जो मिलता है वो बहुत महंगा होता है, 2000-3000 का, 1500-2000-3000, और ये आप बहुत ज़्यादा हो तो 300-400 या फिर उससे कम में भी बना सकते हैं, आपके उधर जैसे स्क्रैप मिलता है वैसे, मेरा तो सब घर में ही पड़ा हुआ था। तो खैर आप देखिए इसमें मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं कुछ, कितना सुंदर फोटोग्राफ आते हैं, एकदम प्रोफेशनल वाला फ़ोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं, और ये मेरा भाई है, आई मीन मेरा दोस्त का भाई है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फोटो आ रहा है, ये मेरा वीडियो है, मैंने जो मतलब टिकटॉक में बनाते नहीं, मैं नॉर्मली एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कैसा बन रहा है वीडियो। सो ये आपके लिए एक बोनस ट्रिप है, आई मीन बोनस क्लिप है,
मैं एक जेवीएस ड्राइवर में कभी काम कर रहा हूँ, आई मीन मैं जो जेवीएस ड्राइवर होता है सबको पता होगा, फ्लाई बैक ड्राइवर, जेवीएस ड्राइवर, तो उसी में काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने अभी बनाया है, आई मीन मैं इसको और पावरफुल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे अभी जो आर्क्स निकल रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको और पावरफुल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको थॉर थॉर का जो हैम है उसके जैसे एक इफेक्ट देने का कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं जो वुड बर्निंग वाला एक्सपेरिमेंट है मैंने इससे किया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर यह हुआ है। आप अगर इसका वीडियो चाहते हैं कि एक्चुअली मैं लाऊंगा इसके वीडियो कि जेवीएस ड्राइवर कैसे अच्छे से बन सकता है, क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को इंडक्टर में प्रॉब्लम है, आई मीन बहुत लोग को समझ नहीं आता कि इंडक्टर कौन सा यूज़ करे, 202 200 माइक्रो हेनरी कैसा है होता है, आई मीन कैसे वो मुझे जो फेराइट कोड है वो मिलेगा, तो सब मैं बता दूंगा उस टाइम। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा ये काम कर रहा है, और मैं इसको चला रहा था 20 वोल्ट्स में, तो और ज़्यादा मैं वोल्टेज नहीं दे रहा था क्योंकि IRFZ44N जो है वो मेरे ख्याल से 60 वोल्ट से ज़्यादा वो नहीं मतलब सह पाएगा, आई मीन सह तो लेगा, लेकिन मैं हर टाइम जो होता है मैक्सिमम से थोड़ा कम ही यूज़ करता हूँ ताकि वो लॉन्ग टर्म में चले। तो अब देख सकते हैं मैं बस इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि ये कैसा होगा दिखने में। आई मीन मैं बहुत सारा वीडियो देख चुका हूँ यूट्यूब में, लेकिन कोई भी मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल से मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल से बहुत कम ही रहता है। आई मीन जो आर्ट्स निकलते हैं उतना मतलब डेंजर नहीं होता है, मतलब डेंजर बोलने का मतलब आई मीन समझ रहे हैं। तो खैर बाय, आप बाय बाय, हैव अ नाइस डे।